YouTube पर हमें ऐसे चैनल नज़र आते हैं जो YouTube पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ YouTube पर ग्रोविंग कर रहे हैं। उसकी मिसाल आप YouTube पर तेज़ी से ग्रो करते हुए अलगोरो को ही देख सकते हैं। तो फिर हम YouTube पर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें ये देखना है कि ये लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे इनका चैनल इतनी तेज़ी के साथ YouTube पर ग्रो कर जाता है। सो लिसन, भले ही इनका चैनल न्यू है लेकिन ये लोग YouTube पर काफ़ी टाइम से मेहनत करके अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं और यही वजह है कि ये लोग न्यू चैनल बनाते ही बहुत तेज़ी के साथ YouTube पर ग्रो कर जाते हैं। सवाल ये है कि ये लोग आखिर इतना अच्छा एक्सपीरियंस YouTube पर हासिल करते कैसे हैं? इस चीज़ के पीछे सिर्फ दो पॉइंट्स का ही राज है। पॉइंट वन, या तो YouTube पर वो काफ़ी ओल्ड हैं। पॉइंट टू, या तो फिर वो काफ़ी इंटेलिजेंस होंगे और उन्होंने ये देखा कि मैं चैनल बना रहा हूँ YouTube पर तो मुझे पहले YouTube को समझना होगा। तो ये हैं दो पॉइंट्स जिनकी वजह से यूट्यूबर नया चैनल बनाते ही YouTube पर छा जाते हैं। तो आप इन पॉइंट्स की कौन सी पॉइंट से हो, पॉइंट वन से हो या फिर पॉइंट टू से हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि इन दोनों पॉइंट्स का मकसद क्या है। इन दोनों पॉइंट्स का मकसद सेम ही है, वो है YouTube को समझना। सो व्हाट इज YouTube? इन सिंपल वर्ड्स, YouTube इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ वीडियोस। बट हमारा क्वेश्चन है, हम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने पर कैसे? सेम वैसे जैसे कुछ टाइम में कुछ यूट्यूबर्स बन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमें यूट्यूब को समझना है, इसके लिए हमें यूट्यूब को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। एंड फ्रेंडशिप इज पॉसिबल विथ टू पर्संस, इसीलिए आप यूट्यूब को अपना फ्रेंड बनाओ और यूट्यूब आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेगा। बट हाउ? बिकॉज यूट्यूब इज नॉट अ ह्यूमन। तो फिर हम YouTube से फ्रेंडशिप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन के बारे में YouTube क्या कहता है, तो चलें YouTube से ही पूछ लेते हैं। सो YouTube कहता है कि आप YouTube की एनालिटिक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। बट कैसे? इट इज़ अ सॉफ्ट प्लेटफॉर्म, तो हम क्या करें, हम भी सॉफ्टवेयर ही बन जाएं क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। एंड YouTube तो हमें कह रहा है कि आप YouTube की एनालिटिक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। बट आप YouTube को अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाओगे, है कोई जवाब? नहीं ना। सो लिसन, यस, आप भी YouTube को फ्रेंडशिप की ऑफर करोगे विथ अ YouTube चैनल और अब YouTube की नज़र में आपका YouTube चैनल ही आप हो। यहाँ पर मैं आपकी फ्रेंडशिप YouTube से करवाऊंगा, वो भी बेस्ट फ्रेंडशिप। एंड यू नो, एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के लिए कुछ अच्छा करता है तो सामने वाला दोस्त भी उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कर देता है। इसीलिए YouTube से फ्रेंडशिप करने के लिए आपको एक चैनल बनाना होगा। अब आप कहोगे कि भाई YouTube का चैनल तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। सो यस, आपका चैनल बना हुआ है लेकिन यहाँ हमें YouTube से फ्रेंडशिप करनी है, वो भी अपने चैनल के ज़रिए। तो आप क्या करोगे, है कोई जवाब? नहीं ना। सो लिसन, फ्रेंडशिप की नीड आपको है, YouTube को नहीं, क्योंकि YouTube के तो पहले ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और उनको YouTube फ़ायदा देता है और वो YouTube को। तो आपने YouTube का चैनल तो बनाया है लेकिन अभी तक आपकी YouTube से फ्रेंडशिप नहीं हुई। काम की बात समझो, किसी से फ्रेंडशिप करने से पहले हमें उसकी तबीयत से वाकिफ होना पड़ता है कि आखिर इसकी तबीयत और मजाज कैसा है। इसीलिए YouTube की तबीयत को समझना है। बट हाउ? सेम क्वेश्चन, YouTube इज नॉट अ ह्यूमन, तो हम YouTube की तबीयत को कैसे समझेंगे, है कोई जवाब? नहीं ना। सो लिसन, YouTube इज़ अ सॉफ्ट प्लेटफॉर्म ऑफ वीडियोस और यहाँ पर बिलियंस की तादाद में यूट्यूबर्स मौजूद हैं और जिन प्लेटफॉर्म्स पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है उनको हैंडल करना कुछ 100 या 200 लोगों के बस की बात नहीं होती।
ऐसे में इन प्लेटफॉर्म्स में एल्गोरिदम को क्रिएट किया जाता है एज अ ब्रेन ऑफ प्लेटफॉर्म। फिर उस प्लेटफॉर्म में कितनी ही ज़्यादा ट्रैफिक क्यों ना हो, एल्गोरिदम उस कंप्लीट ट्रैफिक को हैंडल कर जाता है। और ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गूगल, ट्विटर, फेसबुक, जिनमें एल्गोरिदम को इस्तेमाल किया जाता है एज अ ब्रेन ऑफ प्लेटफॉर्म। और एल्गोरिदम ही है जिससे यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म की हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है लाइक एनालिटिक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशन ETC। और एल्गोरिदम ही है जिसको ये समझ लग जाती है कि ये वीडियो ओरिजिनल है या फिर कॉपीराइट। सो इन शॉर्ट वर्ड्स, एल्गोरिदम इज़ द ब्रेन ऑफ यूट्यूब। और जिस तरह हर ह्यूमन का मजाज और तबीयत चेंज है, वैसे ही हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम सेम नहीं होता। सो अब हम यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझेंगे, तभी हम यूट्यूब से फ्रेंडशिप कर पाएंगे। जब तक हम यूट्यूब की तबीयत और मजाज को समझेंगे नहीं, तब तक हम यूट्यूब से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। इसीलिए ग्रोविंग एंड अर्निंग को अभी से सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।